ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। गोरेगांव में खुले नाले में एक 2.5 साल का मासूम दिव्यांशु गिर गया था। ये घटना 10 जुलाई की है, मगर अभी तक दिव्यांशु का कुछ पता नहीं चल सका है। NDRF और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी दिव्यांशु का सर्च ऑपरेशन में लगे हुए थे, मगर अब BMC की लापरवाही से नाले में दिव्यांशु गिरा था, मगर BMC इस 2.5 साल के मासूम को भी ढूंढने में नाकाम साबित हुई है। दिव्यांशु के परिवार का बुरा हाल है। कई बार खुले नाले की शिकायत भी की गई थी, मगर BMC की लापरवाही से इसे बंद नहीं किया गया और इस खुले नाले में दिव्यांशु गिर गया। एक तरफ डिजिटल इंडिया का दावा करने वाली सरकारों को देखना चाहिए कि डिजिटल इंडिया में खुले नालों में मासूम बच्चे गिर रहे हैं, और हद तो तब हो गई जब मासूम को ढूंढने का सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया। आप खुद सोचे, लापरवाही के नाले में गिरे मासूम को हमारा सरकारी तंत्र ढूंढने में सक्षम नहीं है। NDRF के बाद मुंबई फायर ब्रिगेड ने भी शुक्रवार देर रात ये कहते हुए राहत कार्य बचाव बंद कर दिया कि कई बार जल निकासी की पूरी तरह से जांच की गई, ड्रोन कैमरे के जरिए समुद्र में खोजबीन की गई, लेकिन 2.5 साल के मासूम दिव्यांशु का कुछ पता नहीं चल सका। रेस्क्यू बंद करके साबित कर दिया है कि दिव्यांशु को ढूंढने में नाकाम साबित हो रहे हैं। मिशन चंद्रयान भेजने के लिए भारत तैयार है, मगर मासूम दिव्यांशु को नहीं ढूंढ सका, तो ऐसे में रेस्क्यू पर भी सवाल उठता है। मगर उस परिवार का क्या जिसका मासूम नाले में गिर गया है और अभी तक नहीं मिला? आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन है? दिव्यांशु के पिता ने घटना के जिम्मेदार अधिकारियों पर केस दर्ज करने की मांग की है। हमें पता है भारत के कानून में कितने सालों बाद सजा होती है। मेरा बच्चा आज मरा है ना, मुझे सजा अभी अभी गिरफ्तारी चाहिए। दादा 36 घंटे बीत चुके हैं, क्या काम कर रहे? कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, लोग सिर्फ यही कर रहे हैं कि जो भी इनके सपोर्ट में खड़े हैं सबको उठा के लॉकअप में डाले ताकि अकेला पड़ जावे। रेस्क्यू ऑपरेशन तो बंद कर दिया गया है, मगर इसी तरह इस नाले को भी बंद किया गया होता तो आज 2.5 साल का मासूम दिव्यांशु अपने माता पिता के गोद में हंसता मुस्कुराता होता। मगर अफसोस, इतनी लापरवाह अधिकारी और कर्मचारी हैं कि शिकायत मिलने के बाद भी नाले को बंद नहीं किया। वहीं अब इस मासूम का परिवार लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।